वेलकम बैक टू द चैनल। और सुबह का टाइम हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। आज इतनी लेट चाय इसलिए बन रही है क्योंकि आज सुबह मम्मी को जाना था, उनकी 5 बजे की फ्लाइट थी, तो 2 बजे से उठे थे। फिर मम्मी रेडी हुई, चाय वाय बनाया उनके लिए और फिर हम 2:30 के करीब निकल गए थे। तो मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ कर आए, जब तक मम्मी का सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ वहीं रहे। फिर वापस आए तो आने में हमको सुबह 4:30 हो गई। फिर उसके बाद 4:30 के बाद वैसे भी रात भर नींद नहीं आई है क्योंकि जाना है तो उस चक्कर में। और फिर सुबह आने के बाद फिर अच्छा नहीं लगा कि मम्मी इतने दिन से थी ना, तो चाय बनाना सुबह मम्मी ही करती थी, मैं और मम्मी साथ में चाय पीते थे। तो बस अब आज से वो जो अकेले वाला रूटीन है वो फिर से शुरू हो गया है। तो बस अभी चाय बना लेते हैं और उसके बाद मैं मम्मी से ही बातें करूँगी क्योंकि मैं 7 बजे के करीब सो गई थी, तो फिर मैं अब भी जस्ट उठी हूँ। तो बस अब अपने रोज़ के काम जो अकेले करने हैं, चेक करने हैं। अभी तक ऐसा था कि अगर मैं कुछ नहीं करती थी तो फिर मम्मी ही कर लेती थी। मैं सुबह चाय पीती थी और थोड़ा बहुत घर की डस्टिंग क्लीनिंग करती, बाकी मम्मी कर लेती थी सारा कुछ काम। तो अब सारा काम खुद करना है। अब एडिटिंग के लिए थोड़ा सा ना अलग से टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। तो बस पहले चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है। तो चलिए चाय बना लेते हैं। पीना हो गया है खत्म और उसके बाद अब मैं यहाँ पर ग्रोसरी लेके आ रही हूँ। ये ग्रोसरी रखी थी लिविंग रूम में, कल ये ग्रोसरी का सामान आया था तो इसको मुझे अभी करना है अरेंज। तो इस बार कुछ ज्यादा ही सामान हो गया है क्योंकि बहुत सारा सामान इस बार खत्म हो गया था। पिछले महीने जो है वो थोड़ा कम सामान आया था क्योंकि जो भी डब्बे खाली होने वाले थे उनको मैंने वॉश करके यहाँ पर रख दिया था। तो 2 भागों में वो ग्रोसरी का सामान देकर गया है। तो बस मैं इनको पहले निकाल रही हूँ और देख रही हूँ कि कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं और कौन सी बड़ी बड़ी चीजें हैं। उसके बाद मैं यहाँ सारे सामान को ना अरेंज कर दूंगी। तो मैं हर बार जब क्या कहते हैं चीजें खरीदती हूँ तो मैं हर बार उनके डब्बे जब रिफिल करती हूँ तो मैं उनको वॉश नहीं करती हूँ। जैसे इस बार मैंने कुछ वॉश कर लिए हैं और कुछ मैं अगली बार वॉश करूंगी। मतलब मैं आधे आधे के बैच में चीजों को ना वॉश करती हूँ, नहीं तो एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है, सूखते नहीं है वो चीजें। जो चीजें जैसे जैसे खत्म होती जाती हैं मैं वो डब्बे वैसे वॉश करके मैं रखती जाती हूँ और वो देखने से पता चल ही जाता है कि मतलब क्या चीज है और आपने क्या वॉश कर दी है, कौन सी चीज आपको वॉश करनी है। तो बस एक बार तो मैंने बिल से सारी चीजें मिला ली थी क्योंकि सुपरमार्केट वाले ने ना इसका बिल कहीं गुम कर दिया था। बिल की एक कॉपी मैं हमेशा अपने साथ लेकर आती हूँ, तो उस बिल की कॉपी से पहले तो मैंने बाहर ही सारी चीजें मिलाई और उसके बाद अब मैं इन चीजों को उनकी जगह पे लगा दूंगी। तो चलिए क्विकली मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ली है मधुर की शुगर, ली है 5 kg। इसके अलावा मैं एक चाय पत्ती लाई हूँ 1/2 kg। फॉर्चून के 2 बासमती राइस के यहाँ पर पैकेट है मेरे पास और साथ में मेरे पास होगा यहाँ बादाम है और उसके बाद है ये मगज के बीज है, काली वाली किशमिश है और ये पिस्ता है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में काजू भी मैंने लिए हैं तो वो शायद साइड में कहीं है। हींग मैंने लिया है और ये पीतांबरी का एक पैकेट लिया है। सिट्रिक एसिड मुझे पहली बार मिला, सेंसोडाइन लिया है और कॉर्नफ्लेक्स का एक छोटा पैकेट था वहाँ। बेसन है, पोहा है, वर्मी सेली ली है, नूडल्स लिए हैं, ईयरबड्स है, टूथपेस्ट है और काली मिर्च है, काजू है और बूंदी का पैकेट है, एरियल है 2.5 लीटर का, एक पतंजलि का शैम्पू, ये स्पेशली ये मेरे हस्बैंड सिर्फ यही शैम्पू लगाते हैं। और उसके बाद एक मस्टर्ड ऑयल है, डिश वॉश लिक्विड है वहां पर, अगरबत्ती है और उसके बाद है धूप है, आलू भुजिया का पैकेट है। तो ये सारी चीजें हैं इस बार की ग्रोसरी में, ये चीजें खत्म हो गई थी तो यही चीजें ली हैं। अब मैं यहाँ पर ना चीजों को सबसे पहले अरेंज कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं जो भी डब्बे और उनसे जो भी पैकेट निकलते हैं मैं उनको हटा देती हूँ। तो जो चीजें मेरी खाली हो गई थी वो चीजें मैं अभी तुरंत रिफिल कर दूंगी और अगर मुझे लगता है कि कुछ चीजें अभी थोड़ी थोड़ी बची हैं तो उनको मैं
एक बड़े बॉक्स में रख दूंगी ताकि जब वो खाली हो जाएंगी तो मैं उनको भर दूंगी। मैं हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि हर महीने की मेरी कोई लिस्ट रहती है ग्रोसरी की, दो चार चीजें हैं जो हर महीने लाना जरूरी होता है, बाकी इसके अलावा कभी एक महीने के अंतर से मैं चीजें लेती हूँ, जैसे आटा और दाल, अगर आटा और कुकिंग ऑयल, ये सारी चीजें बड़े बड़े पैकेट हम लेते हैं तो हमें दो महीने खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसके अलावा अगर दाल भी मैंने इकट्ठी ले ली है तो फिर दो महीने खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बार मैंने ड्राई फ्रूट्स ज्यादा लिए हैं क्योंकि मिल्क पाउडर दूध पाउडर बनाना है मुझे डालने का, तो ऐसी चीजें है ना लेते रहती हैं। कभी कोई ऑफर चलता है अगर डी मार्ट में, स्पेशली अगर एरियल सर्फ एक्सेल इन पे, तो फिर हम वो चीजें इकट्ठी दो तीन महीने की लेके रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से चीजों को पहले कर देती हूँ अरेंज। हमारे किचन में स्टोरेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बल्क में चीज़ें खरीद के नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर उनको एक्स्ट्रा चीज़ों को रखने के लिए भी जगह नहीं है, इसलिए जो जितना ज़रूरी होता है मैं सिर्फ उतना ही चीज़ें खरीदती हूँ। सामान सब कुछ अरेंज कर दिया और आप यहाँ देखिए कि कितने सारी पॉलिथीन निकलती है, तो मैं सारी पॉलिथीन से चीजें खाली करके ही रखती हूँ। तो मैं यहाँ पर अब इनको एक बड़े पैकेट में डाल के मैं बाहर इनको ड्राई वेस्ट में रख दूंगी, क्योंकि अगर आप सारे कचरे के साथ इसको मिक्स कर देते हैं ना, तो वो जो कचरा ले जाने वाले भैया आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, वो बार बार बोलते हैं सारे लोगों को कि प्लीज ड्राई और वेट वेस्ट अलग अलग रखिए, तो मैं हमेशा गीला कचरा और सूखा कचरा अलग ही रखती हूँ। तो आज गीला कचरा कुछ भी नहीं था, मैंने सुबह ही रख दिया था आने के जस्ट बाद ही, तो अब मैं यहाँ पर सूखा वाला कचरा भी रख देती हूँ ताकि घर के सामने भी बिल्कुल ना गंदा यहाँ पर नहीं लगता। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब यहाँ मैं कर लेती हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि रिफिल करते समय ना थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो आज काउंटर टॉप पे गिर गया था, तो बस इसको मैं धीरे से अभी सब सामान पहले अपना ये भी जो हटा के मैं काउंटर टॉप को एक बार क्लीन कर दूंगी। किचन अगर क्लीन होता है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा आधे से ज्यादा घर क्लीन है। तो सबसे पहले, मतलब दिन में किचन कई बार, जितने बार भी किचन में अगर थोड़ा बहुत भी काम होता है ना, तो उतनी बार में एक बार जो है ना, क्या कहते हैं इसको, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं उतने बार काउंटर टॉप एक बार क्लीन कर ही देती हूँ, तो ताकि किचन जो है वो हमेशा 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 क्लीन रहता है। तो बस यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत भी अगर सिंक में अगर एक दाना भी कुछ गिरता है ना, तो मैं उसे वेट वेस्ट में ही डालती हूँ, अदरवाइज अगर एक बार सिंक की नाली चोक हो जाएगी तो वो एक बहुत ही बड़ा टेंशन होता है, और स्पेशली जो लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं ना, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है अगर आपके घर में कोई भी नाली अगर चोक हो जाए तो। तो बस यहाँ पर मेरा किचन का काम जो है वो ऑलमोस्ट ना कंप्लीट हो गया है, किचन मेरी साफ़ हो गई है, तो अब बची है मेरे घर की डस्टिंग और क्लीनिंग। तो वैसे भी ना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आज कुछ ज़्यादा ही अपने आप को थोड़ा सा काम में उलझा के रखा था। तो यहाँ पर मैं अभी तीनों रूम की जो है डस्टिंग और क्लीनिंग कर लूँगी। धूप तेज आ रही थी तो मैंने कारपेट उठा के थोड़ी देर के लिए अभी धूप में डाल दिया है। तो अब बस मैं यहाँ की लगा लूँगी झाड़ू और उसके बाद मैं लगा लेती हूँ यहाँ का पोछा। Thank you.
घर में इतना कचरा नहीं निकला है जितना आपको दिख रहा है। एक्चुअली ना ये झाड़ू नया है और ये भी ग्रोसरी के सामान के साथ में ही आया है, तो उन्होंने कहा था कि इस झाड़ू से ज्यादा डस्ट नहीं निकलेगी, बट इतनी डस्ट तो घर में है नहीं और झाड़ू से भी ना बहुत ज्यादा डस्ट इसमें निकल गई है। तो मुझे लगा मैं एक बार इस झाड़ू से झाड़ ही देती हूँ ताकि जितनी ज्यादा डस्ट हो इससे इसमें निकल जाए, ताकि कल से ये झाड़ू जो है वो एकदम अच्छी हो जाए। तो पहले मैं यहाँ एक बार झाड़ूंगी और उसके बाद मैं वैक्यूम क्लीनर भी चलाऊंगी, क्योंकि ना झाड़ू से जो डस्ट निकलती है ना वो बहुत ही बारीक 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 होती है, तो वो पूरे घर में फैल जाएगी अगर मैं क्लीनर नहीं चलाऊंगी। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेती मैं और बाद में मैं एक बार वैक्यूम क्लीनर चला दूंगी। घर के सारे काम खत्म किए हैं और उसके बाद अभी लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे जा रही हूँ मॉल। यहाँ पर एक इतनी बड़ी बात हो गई थी कि अल्फा वन मैंने जब था ओला में मैंने डाला था, तो मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली मैं है भी नहीं और अल्फा वन सिर्फ एक ही है अहमदाबाद में, वो वस्त्रापुर में है, ठीक है। तो मैंने डाला अल्फा वन मॉल, तो मुझे उसमें एक भोपाल का एड्रेस आया, तो 3 मिनट्स कैब दिखा रहा था उस एड्रेस के लिए, तो तुरंत मैंने उसको ओके कर दिया। जब हम आधी दूर चले गए तो फिर जब रूट चेंज हुआ तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कोई नया रूट है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं आपने भोपाल का एड्रेस डाला है। तो टैक्सी वाला भी महान, उसने बोला हाँ भोपाल में भी एक अल्फा वन है, अच्छा है वो मॉल, काफ़ी नया खुला है। तो मैंने भी एड्रेस जो है वो मैंने उसको कैंसिल नहीं किया और हम लोग एक अजीब ही जगह पहुंच गई जहां मॉल तो क्या कोई दुकान भी नहीं थी। पता नहीं आज भी गूगल पे वो एड्रेस दिखाता है, तो फिर वो तो लकीली हमको वहां से ऑटो मिल गया, हमने झट से वहां ऑटो बुक किया और हमें ऑटो मिल गया, फिर हम गए वस्त्रापुर अल्फा वन। तो ये एक बहुत ही बड़ा हौच पौच हो गया। तो मेरे हस्बैंड कल से मेरे पीछे पड़े कि अब मैं तुमसे कभी भी नहीं बोलूंगा कैब करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, हस्बैंड तो कभी वीकेंड पे साथ में जाते हैं, अदरवाइज मुझे हर जगह ना अकेले ही जाना है। तो मेरे लिए भी अच्छा है कि अब कभी कभी जल्दबाजी में मैं हमेशा याद रखूंगी कि हो सकता है सेम नाम की कोई दो चीज़ें भी हो सकती हैं, बट अल्फा वन के बारे में मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि ऐसा कोई दूसरा मॉल भी हो सकता है। तो चलिए पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। और यहाँ तक मैं कैसे पहुंची हूँ मैं आपको बता ही सकती हूँ, मुझे 1.5 घंटा लग गया यहाँ तक पहुंचने में 45 डिग्री टेम्परेचर में, और वो भी पहले तो कैब में और फिर बाद में ऑटो में। तो चलिए
आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर मैं कुछ शॉपिंग करूँगी तो फिर मैं आपको इसके अगले वाले व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बरखा के फंडे में। कल आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए मेरे दूसरे वीडियोज़ और प्लीज़ कॉमेंट करना मत भूलिएगा।